आंख में क्यों आए? क्यों आए? आए, आए। ओहो, देखो 1952 की बात है कि 1952 में हमारे ताऊ जो थे वो अटारी के रास्ते कराची आ गए। आप वकील नहीं है? हैं? वकील? हाँ, चील। देखो मैं तुम्हें बताऊं, 4 दिन पहले मैं एक मिनी में बैठा, उसमें निकली हुई थी चील, अब मैं बैठ गया। 3 अट्टी तक चील चुपती रही, गुरु मंदिर पे घुस गई, टावर पे निकलवाई। होया है कि 4-5 बंदे ने मनु चुप के और दोस्ती बस में छोड़ता। मीर जकी मीर जो थे ना, वो सिगरेट जो थी नहीं पीते थे, अगर वो सिगरेट पीते तो उनको पता होता कि ये धुआं सा कहां से उठता है। उम्र कितनी है? मेरा याद हुआ जिले 16-55 पाकिस्तान बनने का पूरा 4 साल के बाद पैदा हो गया। आपका बेटा? नहीं, वो पाकिस्तान टूटने के 2 साल के बाद पैदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम लूज टॉक के साथ मोइन अख्तर हाजिर खिदमत। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा लूज टॉक की मेज़बानी करते हुए मुझे देखकर कि शायद अनवर मकसूद अंदर हो गए। ना, वो बाहर हैं, मगर आप ऐसे 1000 दफ़ा मना किया कि भाई कोई ढंग की चीज़ लिख के लाए, मगर नहीं नहीं माने। मजबूरन मैंने इस प्रोग्राम की मेज़बानी को टेक ओवर कर लिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाता हूं जिनको इस प्रोग्राम में मेहमान होना ही नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी प्रोग्राम में मेहमान नहीं होना चाहिए, मगर मेरी मजबूरी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मिन्नतें की कि मैं आपके इस मशहूर प्रोग्राम में आना चाहता हूँ। मैंने उनको बुलवा लिया, मिल लीजिए। आज मेरे मेहमान हैं अनवर मकसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकरीबन 6 बरस हो गए जो काम मैं कर रहा था आज आप कर रहे हैं। यही इस मुल्क की खासियत है, जिसको जो काम नहीं आता वो उस काम का माहिर है। और वैसे भी आप जो लिख के लाते हैं, अभी 4 दिन पहले जो स्क्रिप्ट आप लिख कर लाए थे, 4 दिन बाद वो हो गया। जो मुल्क में हो रहा है और जो नहीं हो रहा है वो तमाम आप लिख के ले आते हैं, और फिर मुझे तलवार की धार पर उस पर चल कर उसकी किरदार निगारी करनी पड़ती है। बहरहाल, किरदार निगारी की बात हो रही है तो इससे पहले कि आप जवाब दें मेरी इस बात का, जो उन्होंने लिखा है, जिसको शाहकार कहते हैं लोग, और लोग कहते हैं कि अनवर मकसूद और मोइन अख्तर जब इकट्ठे होते हैं तो लीथल हो जाते हैं, तो आइए इस लीथल कॉम्बिनेशन की एक गुज़िश्ता झलक दिखाते हैं आप। लूज टॉक में क्यों आए? क्यों आए? आए, आए। ओहो, देखो 1952 की बात है कि 1952 में हमारे ताऊ जो थे वो अटारी के रास्ते कराची आ गए। आप वकील नहीं है? हैं? वकील? हाँ, चील। देखो मैं तुम्हें बताऊं, 4 दिन पहले मैं एक मिनी में बैठा, उसमें निकली हुई थी चील, अब मैं बैठ गया। 3 अट्टी तक चील चुपती रही, गुरु मंदिर पे घुस गई, टावर पे निकलवाई। होया है कि 4-5 बंदे ने मनु चुप के और दोस्ती बस में छोड़ता। मीर जकी मीर जो थे ना, वो सिगरेट जो थी नहीं पीते थे, अगर वो सिगरेट पीते तो उनको पता होता कि ये धुआं सा कहां से उठता है। उम्र कितनी है? मेरा याद हुआ जिले 16-55 पाकिस्तान बनने का पूरा 4 साल के बाद पैदा हो गया। आपका बेटा? नहीं, वो पाकिस्तान टूटने के 2 साल के बाद पैदा हो गया। आपने देखा कैसा लगा है तो एंड में पूछेंगे आपसे। जी भाई, मेरे प्रोग्राम बड़े सीधे साधे हैं, आपकी गुफ्तगू ने इनको बिलावजह मुश्किल बना दिया।
इसमें हंसी क्या बात है? बहुत मासूम लगे आप मुझे, बहुत मासूम, यानी बला की मासूमियत है आपकी बातचीत में। हाँ हाँ, कितनी सादगी से कह दिया कि सीधे सादे प्रोग्राम को आप मुश्किल बना देते हैं। सीधे सादे प्रोग्राम को मुश्किल बनाने वाला शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है, आप बनाते हैं मुश्किल सीधे सादे प्रोग्राम को, और आप पर तो किसी की डांट का असर होता ही नहीं, चाहे वो डांट आपको चैनल के मालिक से पड़े या मुल्क के मालिक से पड़े। भाई, मैं जो प्रोग्राम लिखता हूँ और जो आप करते हैं, हम तो ऐसे लोगों के लिए करते हैं कि जो मतलब मेहनत करके पैसा कमाते हैं, थक के घर जाते हैं और फिर टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए प्रोग्राम लिखता हूँ। सरकारी लोग ये प्रोग्राम क्यों देखते हैं? सरकारी लोग ये प्रोग्राम इसलिए देखते हैं कि सरकारी लोगों के पास सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो कहते हैं कुछ तो करो, तो वो कुछ करने के सिले में आपका प्रोग्राम देखते हैं। और ये कुछ करने की जो बात आई है, आप भी देखिए हमने क्या क्या कुछ किया है। चकलाला के हवाई अड्डे पे आप लोगों की चेकिंग हुई। आई बेग यू पार्डन, हमारी सिक्योरिटी वालों ने आपको सर्च किया चकलाला के एयरपोर्ट पे। नोबडी डेयर कैन सर्च अस, हमको कोई सर्च नहीं कर सकता। On the contrary, we served people at Chiklala Airport. Chiklala pe jo log tha, un logon ko humne search kiya, and then they were allowed to meet the president. Pakistan mein tel nikal aaya hai. Pakistan mein tel nikal aaya. Oh Jamali, oh Jamali. Pakistan mein tel nikal aaya hai. Oh Jamali, oh Jamali. Sai Jamali, wawa Jamali, mujho Jamali. Ye baat aap किस तरह कह सकते हैं? किस तरह कौन किस तरह कह सकता है? मैं सीयू के कने रहता हूँ, सीयू के पास रहता हूँ। समोसों की कीमतें गिर गई अनवर, काले समोसे डीजल में तले हुए 1 रुपए के 2 मिल रहे हैं। पाकिस्तान की एक फिल्म का जो बजट होता है ना, वो उनकी पूरी एक फिल्म के जो एक्स्ट्रा होते हैं उनकी धोतियाँ आती हैं। लूज टॉक के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं अनवर मकसूद, और उनसे बातचीत हो रही है। एक बात बताइए, आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप समझते हैं हर दूसरा आदमी जो है वो एक्टर जो है वो आपके लिए कुर्बानी का बकरा है? जो मर्जी आएगा आप लिख के दे देंगे, जो मर्जी आएगा आप पढ़वा देंगे, जो मर्जी आएगा करवा देंगे। ये आर्टिस्ट क्या कुर्बानी के बकरे होते हैं? बताइए, मुझसे पढ़वा दिया, इधर मिल रहे हैं उधर मिल रहे हैं, सियासत के पिंडी में गुल खिल रहे हैं, सदारत का कुर्ता तो पहने हैं पीपी, पजामे मुत्तहिदा के क्यों सिल रहे हैं? तो इसमें क्या बुराई है? एक दफा और ऐसा लिखो, फिर पूछूंगा क्या बुराई है। यकीन बड़ा सीधा साधा सफाई, 4 मिसरे अच्छे हैं, इसमें बुरा मानने कोई बात नहीं। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आइए, इन्होंने जो बुराइयां लिखी हैं उसमें से कुछ बुराइयां हम आपको दिखाते हैं। नाज़िम का मतलब क्या है? देखिए, जब टेलीविजन के ऊपर नाज़मीन आते हैं या सियासतदान आते हैं, बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। ये समझ लीजिए, देखिए नाज़िम का मतलब है मैं। समझा नहीं आप क्या कह रहे? आई मीन कोई ऐसा काम करे जिससे दूसरी कंट्री भी आपका शुक्रिया अदा करे। गजल वगैरह कहते हैं आप? गजल? हाँ गजल, गजल तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। गजल आप उल्टे हाथ से लिखते हैं तो सीधे हाथ से क्या करते हैं? जब मेज़बान की उर्दू नाकिस कमज़ोर हो तो उसको किसी शायर का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। पहला उसूल। भारत के हालात सुने, दरवाज़ा भी टूट गया, आने वाला लूट गया, बच्चा खेल में पाया नहीं, गुब्बारा भी फूट गया। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे बाद किसी शख्सियत ने हमको बड़ी इज्जत और अदब से सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है? लोलन अनवर बहन रामलाल। आप खाली अनवर कहें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, ए मैं इज्जत दे रहे हैं। अनवर बहन अजीब सुन, अब मैं ये जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद मेरी समझ से बालातर है। ये देखो, आम तो खुद चोब लिया और कुठनियाँ जड़ी ने ओ मियाँ साहब ने दित्तियाँ ने। आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने सारी आम की वजारतें खुद रखी, मतलब
गाड़ी साथ में रख ली और गुटली गुजरते ये सब कुछ। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि कब से लिख रहे हैं? ये एक बड़ा घिसा पिटा जुमला है, लेकिन आपकी तहरीर जो कुछ देखी गई है, जो कुछ पढ़ी गई है, जो कुछ सुनी गई है, उससे अंदाजा होता है कि आपने बहुत लिखा है। कब से लिख रहे हैं? जब से अम्मा ने बताया बेटा ये कलम है, जब से मैंने लिखना शुरू किया। एक बात आपसे पूछूं? जी, ये बड़ा बिल्कुल सोच के जवाब दीजिएगा इसका। मैंने एक बात परफॉर्म करते हुए देखी भी, सुनी भी और महसूस भी की है, वो ये है कि आप तालीम पे बहुत इम्फेसाइज करते हैं, तालीम पे बहुत जोर देते हैं अपने बेशतर स्क्रिप्ट्स में। बोले अगर इस मुल्क में तालीम होती तो शायद हमको लूजटॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना स्टूडियो भाई की जरूरत पड़ती, ना चैनल दो की पड़ती, ना पॉलिथीन, ना 420। और शायद इस मुल्क की सूरत कुछ और होती। अब मुशरफ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लीडरों को, किसी को दो हफ्ते में बीए कराया, किसी को एक हफ्ते में बीए कराया, किसी को दो दिन में बीए कराया, किसी को 8 घंटे में कराया, मगर कम से कम बीए तो कराया है उन्होंने, ये किसी और से नहीं कराया। तो ये काम जो है मुशरफ साहब का, जब तक पाकिस्तान है लोग याद रखेंगे कि एक सदर तो ऐसा है कि जिसने मुझे कम से कम बीए तो कराया। आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अनवर मकसूद के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो लिखते हैं तो उसमें इतनी काट होती है कि सुनने वाला अगर तड़पता नहीं तो तिलमिला ज़रूर जाता है। इन्हीं का एक जुमला है जो मैंने ही स्लो स्टॉक में कहा था, और वो जुमला मुझे बहुत पसंद है कि जिस मुल्क में तालीम ना हो उस मुल्क में मीडिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए। आइए इनकी तहरीर के कुछ और अक्स देखते भी हैं और सुनते हैं। आप वकील हैं? ये पहले से मालूम है मैं आपको कि मैं वकील हूँ। जी जी, मुझे पता है। तो फिर पूछ के मुझे शर्मिंदा करने की क्या जरूरत है? सर, अगर मुझे जब बातचीत शुरू होती है तो मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि मेरे मेहमान का ताल्लुक किस शोबे से है, क्या पेशा। बड़ा सीधा आ चुका हूँ। किस पर? ज्यादा चलाक मेजबान बनने की कोशिश ना करो, जरा मैं कह रहा हूँ करो, अपना सीधा आ चुको और कहो बस। जान के ये कह रहे हैं कि मैं अपने मेहमान से कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगा जेड़ा सवाल उन्होंने पहले से ना आता हो। मैं अपने मेहमान से कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगा जिसका जवाब मेरे मेहमान को नहीं आता। वेरी गुड, कहा है। मैं अपने मौजूद मेहमान से ये भी नहीं पूछूंगा कि एक साल हो गया मैं कोर्ट नहीं गया हूँ, मेरे घर का खर्चा कौन चला रहा है? सर, वकालत एक मोतबर पेशा है। मोतबर पेशा अब आदम के जमाने में था। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि उस जमाने में कोई वकील पैदा नहीं। मैंने अर्ज किया कि मियां साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गाना गाया, क्या हुआ तेरा माता, वो कसम वो इरादा, ठीक है जी। इसे लिखा था शेरी रहमान ने, मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा ने, और इसको कंपोज किया था मोहतरम आसिफ जरदारी ने। हम भी चले तुम भी चलो, चलती रहे जिंदगी। ये मुझे जल्दी है क्योंकि मेरे घर पे मेरी बेगम का कजन आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी गैर मौजूदगी में आए। अब आप बताइए, जब भी वो आता है मुझे निहारी लेने के लिए बंस रोड पे भेज देता है। काम क्या करते हैं आप? आजकल खानदान के बुजुर्गों को गड़े में डालने के बजाय गड़े से निकाल रहे हैं। डिफेंस में गड़े पड़ गए हैं। अल्लाह ना करे डिफेंस में गड़े पड़े। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो, मैंने क्या कहा है? आपने कहा डिफेंस में गड़े पड़ गए, तुमने क्या जवाब दिया? अल्लाह ना करे डिफेंस में। यानी आप हर बात को सियासी रंग में ले जाते हैं। भाई मैं डिफेंस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। 6 बरस हो गए इस प्रोग्राम को और इस तरह के प्रोग्राम के लिए 6 बरस बहुत होते हैं। दुनिया भर में जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो एक पूरी टीम होती है, इसमें कोई 15-20 लिखने वाले होते हैं, कई अदाकार होते हैं और वो गेटअप्स होते हैं, सेट्स लगे रहते हैं। बल्कि मैंने और मोइन ने तो यहाँ तक कहा कि हमें इस सेट की भी जरूरत नहीं है, हमें 2 कुर्सियाँ कहीं डाल दें, हम दोनों बातें कर रहे हैं। इतना सस्ता और इतना आसान प्रोग्राम तो किसी चैनल को नहीं मिलेगा। अच्छा, और मगर कमाल की बात इसमें सिर्फ लिखने की नहीं है, कमाल की बात है अदाकारी की।
मोइन मेरा लिखा हुआ जुमला समझ जाते, बल्कि पहले से समझे हुए होते, कहते ये लिख के लाए होंगे तो, और ज़्यादातर मोइन होता है। और मोइन चाहे टोन हो, चाहे इजहार हो, चाहे शेर व शायरी के मामले में ज़रा से कच्चे हैं, बड़ी मुश्किल होती है मुझे उनको शेर याद करवा रहे, चीखे मारते हैं और झगड़ा करते हैं मेरे साथ कि ये क्या लिख के ले आए तुम, ये मैं मखदूम करी पढ़ूंगा, ये क्या है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नज़ीर अकबर वादी कुछ नहीं नहीं मेरी, मगर याद कर लेते हैं, और याद करके ऐसा पढ़ते कि जैसे खुद ही लिखा हुआ है। ये एक बड़े अदाकार की बात है, इनके मुँह पर नहीं कह रहा हूँ, तारीफ तो करना चाहिए, मेरा अच्छा काम है। तो मोइन ने 300 का प्रोग्राम हो गया, 348 प्रोग्राम हो चुके हैं, और क्या क्या नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए बात जहाँ मजाक करना ज़रूरी होता है वहाँ हम करते हैं, चुपते नहीं हैं, लेकिन जहाँ बात संजीदा है वहाँ संजीदगी से भी गुफ्तगू करना चाहिए। आपने जो मेरी तारीफ़ की, शुक्रिया उसका बहुत बहुत, लेकिन आप ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। बात यह है कि गेटअप कर लेना तो आधे घंटे का काम होता है, लेकिन तख्लीक़ करना, लिखना, ये ऐसा ही है जैसे राइटर अपना खून अपनी कलम में भर के रोशनाई की जगह इस्तेमाल करें। और हर हफ्ते एक नया टॉपिक लिखना हर हफ्ते, और कमाल की बात यह है कि मैंने जितने प्रोग्राम किए मुझे याद नहीं है कि कोई पंच लाइन किसी दूसरे से मिलती हो कि ये पंच लाइन मैं पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ या अगले प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जुमले ऐसे हसीन लिखते हैं माशाल्लाह। एक जुमला मैं आपको इनका सुनाता हूँ। एक मैं सुषमा स्वराज बना था, हिंदुस्तान की वो आई हुई थी यहाँ पर, मिनिस्टर थी वो इंफॉर्मेशन की, तो इनसे बातचीत करते करते इन्होंने जुमला लिखा, कहने लगी कि इन्होंने कहा, कहने लगी कि आप बहुत खुश शक्ल हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो कहने लगी अभी मुझे आपने क्या देखा है, आप मुझे जवानी में देखते हैं, मेरा एक एक गाल कश्मीर का सेब था। तो इन्होंने कहा कि वो सेब आज़ाद था या मकबूजा। अब ये बात समझने वालों को ही समझ आ सकती है कि इस जुमले में इन्होंने कश्मीर की पूरी तारीख बता दी, आज़ाद की भी और मकबूजा की भी। बातचीत चलती रहेगी। अनवर मकसूद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए आपको दिखाते हैं इन्हीं के लिखे हुए मेरे किए हुए कुछ टोटे। प्रोग्राम शुरू करने का एक तरीका होता है, वही देखें, 5 साल के प्रोग्राम में कुछ नहीं होता था, 20 मिनट के प्रोग्राम में क्या हो जाएगा। क्या करते हैं आप? सरकारी अफसर था। रिटायर हो गए? नहीं, मर गए। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र तो बढ़ा दी है। हाँ, अगर सरकार ने उन लोगों की उम्र बढ़ा दी है जो लोग सरकार के फेवर में बात करते, हम सिर्फ काम करते थे, आई जस्ट यूज टू वर्क। नाम बदनाम तो ऐसे भी है, वैसे भी सही। नाम बदनाम तो ऐसे भी है, वैसे भी सही। ये आपने गाना क्यों गाया? क्यों गाया आपने? मैंने गाना गाया नहीं है, पढ़ा है। बताओ, अरे हमें रोजाना के धमाकों से अपने मुल्क में फुर्सत नहीं है, हमें क्या पढ़िए कि हम पड़ोसी मुल्क में जाके धमाके करें। और ऊपर से वजीर आजम मनमोहन सिंह जो है, उन्होंने टेलीविजन पे आके बयान दे दिया कि इस दहशतगर्दी में पड़ोसी मुल्क जो है वो इसमें शामिल है। वो बात यह है मोहतरम के पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि दुनिया भर में अगर कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो इल्ज़ाम बिला वजह पाकिस्तान। ये श्रीलंका में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? श्रीलंका में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? आसाम में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? नेपाल में दहशतगर्दी किसने करवाई? और एक जमात है बम्बई में हुकूमत के खिलाफ, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता, क्यों? व्हाट इज इट? हमारा ये ख्याल था कि, और अक्सर हम जिक्र भी करते हैं, सोचते भी हैं और बातचीत भी करते हैं, इस पर तबादला ख्याल भी करते हैं कि किसी के अच्छे किए हुए काम को सराहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तनकीद दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद है तो वो फिर बेकार है, और तनकीद बराए तामीर है तो फिर वो लाजवाब है। आपने याद है मुझे ज़िद करके शैतान बनवाया था? अब ये मत कहिएगा आपको बनने की ज़रूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी जी, याद है उस प्रोग्राम में जुमला बहुत अच्छा था, उसमें ये मुझसे पूछते हैं, यानी शैतान से पूछते हैं कि पाकिस्तानियों के बारे में कुछ बताइए, तो शैतान कहता है साले ना बिजली पैदा कर सकते हैं, ना कोई अनाज पैदा कर सकते हैं,
और ना कोई अच्छाई पैदा कर सकते हैं। सिर्फ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं जिसमें किसी बाहर की इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये था ना सर? अरे शैतान का अच्छा था, शैतान का गेटअप भी मेज़बान ने किया था। मैं कुछ 10 नंबरी काम के आपको टुकड़े दिखवाना चाहता हूँ। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं और गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भी फुले हैं। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। जी दुबई में। कराची क्यों आए? ना बटवा चोरी हुआ, ना किसी ने मोबाइल छीना, ना वहाँ पर कोई खानदान रिश्तेदार कोई आया हुआ। ये भाई के अमरीका से है हमारी दोस्ती। जी जी है कि नहीं? अमेरिका से है दोस्ती मगर कमबख्त फिर भी मार रहा है। अगर दुश्मनी मोल ली तो क्या करेगा? ये सवाल उछल रहा है मेरे दिमाग में। पाकिस्तान अमेरिका से दुश्मनी का भाई सोच भी नहीं सकता। भाई फर्ज करो कि अमेरिका ने अगर हुकूमत से हमारी ये किया कि भैया हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम ये लो $10 मिलियन या कुछ बहुत सारे डॉलर और हमसे ले लो पंगा। अगर अमेरिका के दिमाग में ये चल गया है तो हुकूमत तो पैसे पकड़ ली। और उनको मिला के कहिए कि हमारे पास भी है। क्या है? मिलाइए मैं बताता हूँ। आप बताइए क्या है तो मैं बात करूँ। हमारे पास भी एटम बम है। ये बार बार फेंको, हजार बार फेंको, ये फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता। गेट आउट। बार बार फेंको, आप चले जाए। हजार बार फेंको, आप ये फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता ताली। हजार बार फेंको, ये फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता ताली। मकसूद की जहाँ बेशुमार खूबियां हैं, लिखते भी हैं, पेंटर भी हैं, शायर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था अनवर मकसूद पे और उस आर्टिकल में मैंने खुद अपने हाथ से अपने कलम से लिखा था कि 100 मोइन अख्तर पैदा हो सकते हैं, दूसरा अनवर मकसूद पैदा नहीं होगा। और ये बात मैंने नहायत सच्चाई से कही थी प्रिंट मीडिया पर, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये बात कहता हूँ। और मैं इस बात में कतई शर्म महसूस नहीं करता कि मैं सिर्फ अनवर ही का लिखा हुआ करता हूँ, इसलिए कि अनवर का लिखा हुआ मायार, अनवर की लिखी हुई बात और जो बात लतीफ़ पैराहे में कही जा सकती है वो बात कड़वाहट से हरगिज़ कबूल नहीं की जाती। मैंने इनसे इतने प्रोग्राम्स में यकीनन गुस्ताखी भी की, यकीनन बदतहज़ीब भी की और शरारतें भी की, लेकिन एक अनवर का कमाल है कि कभी इन्होंने बुरा नहीं माना। आप सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप पे अपनी मेहरबानियां करें, आपके ख़ानदान पे अपनी मेहरबानियां करें। और मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं देखिए इज़्ज़त शोहरत देने वाला सिर्फ परवरदिगार है और मुझे जहाँ तक उसने पहुँचाया है ये परवरदिगार ही की वजह से है। आपने यहाँ तक पहुँचने में जो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे जो लोगों को ज़िम्मेदार बनाया है, हम सब एक दूसरे के लिए चेन बने हुए हैं। मेरा आपसे काम होता है, आपका उनसे काम होता है, उनका हमसे काम होता है। आप एक बहुत अहम ज़रिया रहे मेरे लिए। अब देखते हैं हम कितने अरसे ये करते हैं। अक्सर दफ़ा ये हुआ कि बस अब बहुत हो गया, इतने 300-350 हो गए, अब छोड़ देते हैं, तो मैं हमेशा इनकी हौसला अफजाई करता हूँ। आप जिस दिन लिखना छोड़ देंगे मैं एक्टिंग करना छोड़ दूँगा। ख़वातीन हज़रात, आखिर में मैं ये चाहूँगा कि ये ख़ुद समअप करें और मैं आप इनको उस कुर्सी पर बिठाता हूँ जिस कुर्सी पे ये अच्छे लगते हैं, मैं वहाँ आता हूँ। आइए। मुल्क में भी मुझे कुछ यही लग रहा है कि कुछ कुर्सियां बदलेंगी, मगर नया साल आने वाला है, पुकार गालिब, शिफा हो आपको, गालिब को बंदे गम से निजात, खुदा करे कि ऐसा हो साजगार बरसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो कुछ कहा आपने।
बहुत शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। और जो कुछ आपने नहीं कहा उसका भी शुक्रिया। देख क्या रहे हैं, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।